एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के धनगांव थाना प्रभारी और उनकी टीम लगातार शानदार काम कर रही है। आपको बता दें कि शैलेंद्र पिता सालक राम भिलाला, उम्र 27 साल है इस युवक की, और काकरिया गांव का रहने वाला है। इसने आपको बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और गेहूं चोरी किए थे, जिसके बाद धनगांव थाने में अपराध दर्ज किया गया था और तब से धनगांव थाना प्रभारी चोर की तलाश कर रही थी। फाइनली इसे पकड़ने में धनगांव थाना प्रभारी और उनकी टीम ने सफलता हासिल की है। इसी तरीके से आपको बता दें कि धारदार हथियार लेकर घूम रहे अर्जुन पिता सरदार भिलाला निवासी देल गांव को भी धनगांव थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। लोगों ने सूचना दी थी कि एक युवक धारदार हथियार लेकर मार्केट में घूम रहा है, जिसके बाद धनगांव थाने की टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ा और उस पर अपराध दर्ज किया। इसी तरीके से एक वारंटी जो पुलिस को लंबे समय से चकमा देने में कामयाब हो रहा था, जिसका नाम प्रेमलाल पिता रामलाल है, 30 साल का रहने वाला है कालमुखी का, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें धनगांव थाना प्रभारी विजय वर्मा और उनकी टीम के रमेश गोयल, दिनेश चिंचे, आनंद राम पटेल और ब्रज किशोर, ओम प्रकाश, राहुल धाकड़, ये पूरी टीम इन दिनों लगातार जुआ सट्टा, अवैध शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम कर रही है। इसके अलावा जो बस संचालक हैं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं, बेतरतीब गाड़ी चलाते हैं, उन्हें भी समझाइश दे रही है। इसके अलावा आगामी त्योहारों को लेकर भी धनगांव थाने में क्षेत्रवासियों की बैठक लेकर सभी से अपील की गई कि आने वाले जो त्यौहार हैं उन्हें बेहद शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और पुलिस का जो भी सहयोग लगेगा धनगांव थाने की टीम उनकी सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन शांति बनाए रखें। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा, खंडवा।